हेलो, कोई कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। डायल 100 में आज बात सबसे पहले राजस्थान के कुख्यात बदमाश आनंद पाल की। राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियों को पिछले साल 3 सितंबर से छका रहे आनंद पाल को पकड़ने में फिलहाल राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियां कामयाब नहीं हो सकी है, लेकिन शुक्रवार को राजस्थान एटीएस ने आनंद पाल के 4 कुर्कों पर जरूर शिकंजा कसा है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई जब एटीएस को ये खबर मिली कि आनंद पाल के कुछ खास कुर्के जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में हैं, और जैसे ही ये खबर उन्हें मिली उसके बाद एटीएस भी हरकत में आ गई। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बदमाशों पर एटीएस ने किस तरह कसा अपना शिकंजा। आनंद पाल राजस्थान का वो कुख्यात बदमाश जिसने पुलिस की नाक में दम किया हुआ है। आठ महीने से राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियां आनंद पाल के पीछे लगी हुई है, लेकिन वो अब तक दस्तयाब नहीं हो सका है। हालांकि इन 8 महीनों के दौरान पुलिस ने आनंद पाल के कई कुर्कों पर जरूर शिकंजा कसा है, और शुक्रवार को भी उसी कड़ी में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए आनंद पाल के 4 करीबियों पर शिकंजा कसा है। दरअसल आनंद पाल को तलाश रहे एटीएस अधिकारियों को खबर मिली थी कि या तो खुद आनंद पाल या फिर उसके कुछ गुर्गे राजधानी में है। इसके बाद एटीएस ने अपनी पड़ताल शुरू की और आखिरकार खबर मिली कि ये बदमाश राजधानी के झोटवाड़ा इलाके में मौजूद हैं। कुछ सुराग तराशे गए और एटीएस भी झोटवाड़ा इलाके पहुंच गई। दरअसल जब एटीएस अधिकारी झोटवाड़ा इलाके पहुंचे और अपने पिन पॉइंट को तय किया, उसी दौरान वहां मौजूद आनंद पाल के गुर्गों को शक हो गया और वे वहां से फरार हो गए। लेकिन जब एटीएस अधिकारियों ने गुर्गों के फरार होने की तस्वीर देखी तो एटीएस भी उनके पीछे लग गई। सूत्रों की माने तो पीछा करने के दौरान एटीएस का एक अधिकारी बदमाशों की गाड़ी में दाखिल हो गया और बदमाश उस अधिकारी को भी अपने साथ ले भागे, लेकिन पीछा कर रही एटीएस टीम ने पांचवाला इलाके में बदमाशों को रोक लिया, जिसके बाद बदमाश और एटीएस टीम यहां आमने सामने हो गई। सूत्र बताते हैं कि बदमाशों और एटीएस के बीच फायरिंग भी की गई, लेकिन फायरिंग की इस घटना में किसी के नुकसान होने की खबर नहीं है। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद एटीएस ने आनंद पाल के खास कुर्के विजय मांड्या और उसके 3 दूसरे साथियों को पकड़ लिया। हालांकि यहां आनंद पाल की तो कोई खबर एटीएस नहीं जुटा पाई, लेकिन इन शातिर गुर्गों पर शिकंजा कसने के बाद एटीएस को कुछ उम्मीद जरूर जागी है।
फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आपको सुनाते हैं एटीएस एडीजी की जुबानी, आखिर इस पूरे मामले में बदमाशों से पूछताछ में क्या आया सामने। एटीएस की टीम ने लगभग झोटवाड़ा जाके घटनास्थल से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर जाकर के उनको पकड़ा और उनको हम एटीएस में ले आए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो दो मुख्य आरोपी हैं जिनको हमने हिरासत में लिया है, वो एक तो है विजय मांडिया और दूसरा है इमरान। ये दोनों साथी हैं, दोनों चूरू के दो प्रकरणों में वांछित हैं और सक्रिय सदस्य। वाकई एटीएस की इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है, और लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जयपुर में चार कुर्कों की गिरफ्तारी होना, अब तक राजधानी से बाहर इस तरह के वाकये हुए हैं और अक्सर नागौर जिले में इस तरह की घटनाएं सामने आई है, लेकिन राजधानी जयपुर में इस तरह की घटना के बाद कहीं ना कहीं आनंद पाल के जयपुर में भी छुपे होने का अंदेशा जताया जा रहा है। चलिए इस पूरे मामले पर मैं सीधा रुख करता हूँ सहयोगी अभिमन्यु का। अभिमन्यु, आज ये जो पूरा वाक्या हुआ है, अधिकारी कहते हैं कि उन्हें कामयाबी मिली है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि ये वो लोग बताए गए हैं जिन्होंने मार्च के अंतिम दिनों में नागौर इलाके में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान भी चली गई थी। क्या इस मामले में अधिकारियों ने कुछ और ज्यादा खुलासा किया है? देखिए, अभी आधिकारिक पुष्टि जरूर इस बात की नहीं हुई है, लेकिन जो पूछताछ में शुरुआती दौर पर सामने आया, सूत्रों की माने तो साफ तौर पर 5 लोग उस दिन गाड़ी में मौजूद थे, जिसमें से खुद आनंद पाल भी मौजूद था और जो आज गिरफ्तार हुआ है विजय मांडिया, वो भी गाड़ी में मौजूद था। अन्य 3 लोग और आनंद पाल के साथ नागौर वाले जो पूरी वारदात थी, फायरिंग की घटना थी, उसके अंदर मौजूद थे। तो जैसे ही वो जो उसके बाद वहाँ पर जो मोबाइल नंबर और सिमें बरामद हुई थी, उसके बाद से 200 से अधिक नंबरों को एटीएस ने सर्विलांस पे ले रखा था। जो टीम आनंद पाल को खोजने में लगी, उन्होंने सर्विलांस पे ले रखा था। उसी सर्विलांस के दौरान ये नंबर एटीएस को मिला और इसकी जैसे ही पुष्टि हुई जयपुर में होने की, एटीएस ने अपना जाल बिछाया और जोटवाड़ा में पहुंचकर इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। तो साफ तौर पर आनंद पाल पर जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है और इस आरोपी के गिरफ्तार होने से काफी बड़ा सुराग जो है एटीएस को हाथ लग सकता है। और जो नजदीकी सूत्रों की माने तो इतना करीब आनंद पाल के कोई अभी तक नहीं रहा जो पुलिस के हत्ते चढ़ाओ, जो भी पुराने गुर्गे जो हत्ते चढ़े थे पुलिस के। हालांकि अभिमन्यु, पहले भी जब आनंद पाल गिरफ्तार हुआ था तो वो भी जयपुर जिले के फागी इलाके से गिरफ्तार हुआ था, और अब इसके गुर्गे जयपुर के शहरी इलाके में गिरफ्तार होते हैं। क्या माना जाए कि जो पिछले 8 महीने से आनंद पाल अभी तक पुलिस को छका रहा है, क्या उसकी कहीं लोकेशन इन्हीं नज़दीकी इलाकों में हो सकती है? देखिए, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से दोनों गैंग्स, आनंद पाल की दुश्मन गैंग और आनंद पाल गैंग का मूवमेंट राजधानी में बढ़ा है, हो सकता है कि कहीं आनंद पाल जयपुर के नज़दीकी इलाकों में छुपा हुआ और यहाँ से पूरी जो अपनी कार्रवाई है, पूरी जो गैंग है, उसका संचालन यहीं बैठकर कर रहा हो, क्योंकि पहले भी जयपुर के पास में पकड़ में आना और राजधानी के आसपास आनंद पाल के कई गुर्गों का पकड़ा जाना और होना, ये हर बात इस ओर संकेत करती है कि कहीं आनंद पाल राजधानी के इर्द गिर्द तो मौजूद नहीं है। यहाँ अभिमन्यु, एटीएस ने कोई खुलासा किया कि ये जो चारों गुर्गे हैं, जो आनंद पाल के जो साथी बताए गए हैं, ये जयपुर में क्या कर रहे थे, क्या इनकी प्लानिंग थी? देखिए, जो इसके कार के अंदर से 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं, साथ ही ये एक मोबाइल से संपर्क करके 2 लोगों से जोटवाड़ा में मिलने गए थे, जिन लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी जांचे जा रहे हैं। और ये दोनों जो अपराधी चूरू सरदार शहर के रहने वाले हैं, इन दोनों का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन दो अन्य जो लोग गिरफ्तार किए हैं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक एटीएस को मिला नहीं, तो वो जानकारी जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जब शुरुआती पूछताछ में इसने पुलिस को बताया कि यहाँ पर फ्लैट लेने आया था और फरारी के दौरान कोई जगह ठिकाना ढूंढ रहा था जहाँ छुपकर रह सके, और ये जो रुपए हैं ये फरारी के लिए इसके पास मौजूद, कई सारे तथ्य सामने आना बाकी हैं। जाहिर सी बात है, एटीएस अभी इन चारों आरोपियों से गहन पूछताछ करेगी और उसके बाद माना जा सकता है कि इन लोगों से और भी ज्यादा खुलासा हो सकता है, और हो सकता है कि एटीएस को आनंद पाल की लोकेशन का भी पता चल सके। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।